फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इस जैसे बड़े आज के डेट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनको बैन को लेके काफी सारे न्यूज़ आपने फिलहाल देखे होंगे। और बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये भी चला दिया गया था कि ये सारे प्लेटफॉर्म आपको 26 मई के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो नियम नए लेके आए गए थे, उनके डेट्स में बढ़ोतरी करते हुए 15 दिन का और समय दे दिया गया है। आपको बता दें कि फेसबुक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की तरफ से ये बातें कही गई हैं, और गूगल ने भी ये बोल दिया है कि जो भारत सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, उन सभी को कंप्लाई करेगा उनका प्लेटफॉर्म, और बहुत जल्द जो डिमांड्स भारत सरकार की जिन कंपनीज से हैं वो सारे फुलफिल किए जाएंगे। लेकिन वहीं पे व्हाट्सएप की तरफ से कुछ अलग बातें की जा रही हैं, और व्हाट्सएप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आपको OnePlus Nord के एक नए फोन के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो भारत सरकार के द्वारा नए नियम में बदलाव किया गया था उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, सोशल मीडिया जायंट्स के लिए, या आप कह सकते हैं कि जो बड़ी कंपनी है उनके लिए कुछ नियम में बदलाव करते हुए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी अगर काम कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर भारत सरकार को कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए वो इंडिया से बाहर बात कर रही है, या फिर इंडिया से बाहर कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रही है। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार चाहती है कि इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी रन कर रही है तो उनके कुछ ऑफिसर्स इंडिया के अंदर सेटअप होने चाहिए, जो कि भारत सरकार के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर सही टाइम पे रहते हुए अच्छे तरीके से दे, और टाइम बाउंड मैनल में जो भी ग्रीवांस होता है उसको रिड्रेस करे और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट को सबमिट करे। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंटेंट को देख के लोग परेशान हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो कि भड़काऊ हो सकते हैं या गलत इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, उन कंटेंट को रोकने की बात की गई थी भारत सरकार की तरफ से 24 घंटे के अंदर। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन इसमें निकल के सामने आता है कि व्हाट्सएप के अंदर एक इंफॉर्मेशन जो चाहिए भारत सरकार को, ये चाहिए कि ओरिजिनेटर कौन है किसी भी मैसेज का, कहां से कोई मैसेज स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कि अगर कोई गलत मैसेज कहीं से शुरू हुआ तो इसका पता नहीं लग पाता कि शुरू कहां से हुआ है, क्योंकि वो फॉरवर्ड होते जाता है, और जब उसके ओरिजिनेटर की पहचान की जाती है तो डेटा जो होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, इसके कारण से ओरिजिनेटर को नहीं पता लगाया जा सकता। इससे दिक्कत ये होती है कि कोई भी कभी भी कुछ भी गलत सलत व्हाट्सएप के ऊपर चलाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से जैसे ही शिकंजा कसना शुरू किया गया, भारत सरकार के ऊपर व्हाट्सएप की तरफ से केस कर दिया गया। इस तरह और केस इस प्रकार से किया गया कि व्हाट्सएप कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा प्राइवेसी खत्म करने की बात कही जा रही है, अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा हुआ है किसी मैसेज के ऊपर तो वो इंक्रिप्शन लगने के कारण कोई भी ओरिजिनेटर को नहीं बता सकते, लेकिन अगर ओरिजिनेटर बनाना इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे वो किसी भी तरीके का एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट्सएप तो ये सारी बातें कोर्ट को बता रहा है, लेकिन व्हाट्सएप खुद ही अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करता है। अगर वो डेटा एक बार ड्राइव के ऊपर चला जाता है तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहता है। ये सारी बातें व्हाट्सएप जो है ये देखते हुए भी गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहा है, जो कि कुछ त्रुटि है। हाँ, हो सकता है कि सरकार के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है आने वाले समय के अंदर कुछ मैनिपुलेशन हो जाए बाद में, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल गलत चीजों के लिए अगर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है तो उसको देना पड़ेगा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर काम कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की अगर बात करते हैं तो वहां व्हाट्सएप के रूल्स अलग हैं, इंडिया के अंदर ये रूल्स अलग बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार इस बार पूरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है इनके। देखने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ समय के अंदर ये सारे नियम लग सकते हैं। अब एक ऐसा फोन लॉन्च होने जा रहा है जिसके बारे में शायद आप जानना ना चाहें। बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वन प्लस पिछले कुछ समय से अपने ब्रांड वैल्यू को गिराता जा रहा है, उस तरह से काफी ज्यादा लोग वन प्लस से दूर हटते जा रहे हैं। जब से कार्ल पाई ने कंपनी को छोड़ा है उसके बाद वन प्लस का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, और ये बात मैं नहीं कह रहा है, वो ये बात आप किसी भी टेक इन्फ्लुएंसर से पूछ सकते हो, वो आपको ये बात जरूर बताएगा। कारण ये है कि ना टाइम पे अपडेट्स आते हैं, ना टाइम पे फोन के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जिसको सॉल्व किया जाता है, और ना ही उनका जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से पहले प्रीमियमनेस हुआ करता था फोन के अंदर, वो आज के डेट में बचा हुआ है। अब आप देखिए, समर लॉन्च इवेंट कमिंग सून लिखा हुआ है, जो कि 10 जून को होने वाला है, और इसको लेके वन प्लस की तरफ से
टीजर या आप कह सकते हैं कि वन प्लस से लेके एक तरीके से वन प्लस इंफॉर्मेशन देना शुरू कर चुका है। अब वन प्लस नॉर्ड सीरीज का ये फोन होने वाला है, इसके अंदर आपको मिलने वाला है कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पहले वन प्लस के बाकी फोन्स में मिल रही थी, लेकिन काफी ज्यादा पैसे पे करने के बाद। आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दे कि 10 जून को दो फोन लॉन्च होने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड सीरीज के अंदर, जो कि 5G होने वाले हैं, और एक फोन तो यूरोपियन और इंडियन मार्केट के लिए है, लेकिन दूसरा फोन सिर्फ यूएस मार्केट के लिए है। आपको ये भी बता दें कि ये 10 जून को जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर हो सकता है कि 15 से 20 हजार के रेंज का ये फोन हो, और इसके अंदर जो चीजें दिखाई दे आपको वो सिर्फ 5G के नाम पे ये फोन आपको सेल किया जाए। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, और ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसी बात करना चाहूंगा जो कि हो सकता है कि वन प्लस के अगर आप फैन है तो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कभी भी जब वन प्लस की तरफ से कोई भी अपडेट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे किया जाता है या फिर ट्विटर के ऊपर किया जाता है, तो आप जरा एक बार उनके कमेंट सेक्शन को जाके चेक कीजिएगा। आपको शायद ही ऐसा कोई कमेंट मिलेगा जो कि वन प्लस के ब्रांड को या फिर वन प्लस के किसी भी पर्टिकुलर फोन के बारे में बुराई ना करे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के द्वारा आज डेट में समस्याएं को झेलना पड़ रहा है जब से OS 11 अपडेट आया, या फिर आप कह सकते हैं कि जब से नए ऑक्सीजन का अपडेट आया तब से बहुत ज्यादा समस्याएं शुरू हो गई हैं। नॉर्ड में तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी समस्याएं, मेरे पास लगभग हफ्ते में 20 से 25 मैसेज जरूर आ जाते हैं वन प्लस नॉर्ड से रिलेटेड। जब भी अपडेट आता है कोई ना कोई समस्या सामने निकल के आ जाती है। अगर आप वन प्लस का फोन यूज कर रहे हैं और आपको इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको भी ये समस्या देखने को मिल रही है। वन प्लस की तरफ से जो प्रीमियमनेस पहले रखा जाता था उसको अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जो कि 15 से 20 हजार में अगर कोई फोन लॉन्च कर रहा है तो वो कंपनी बाकी कंपनी जैसे हो जाएगी, और ये हो सकता है कि रिब्रांडेड वर्जन हो किसी ओप्पो के फोन का, क्योंकि R&D तो वन प्लस का खत्म हो चुका है। दोस्तों रिब्रांड करने से कोई मतलब नहीं है, फोन अच्छा होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, रिब्रांडेड हो तब भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर्स अगर कोई ब्रांड को देख के फोन को परचेज कर रहे हैं तो उन कस्टमर्स के बात को ध्यान में रखते हुए उस ब्रांड को उस तरीके के सर्विसेज को देना चाहिए। अदरवाइज आने वाले कुछ समय के अंदर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो जाती हैं, उसी तरीके से वन प्लस का भी नामो निशान खत्म हो सकता है अगर यही हिसाब किताब आगे बना रहा तो। दोस्तों इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।